गुड मॉर्निंग 10th क्लास. टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. फर्स्ट वॉज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एंड जब हमने एक तरह से स्टेट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज पॉलिसी, अब इंडिया में कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है. फर्स्ट, वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. बोलते हैं कि हिंदी लैंग्वेज है हमारी राष्ट्रभाषा, पर ऐसा नहीं है. ये अलग बात है कि 42% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिंदी स्पीक करती है. ओके, बाकी 58% जो है वो अदर लैंग्वेजेस टोटल मिला के. ठीक है, हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है. बट अगर उसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए कि भाई कोई कहते हैं ये भी तो एक दबदबा ही हो गया कि भाई इंग्लिश हिंदी को प्रमोट करने का, तो ऐसी भी बात नहीं है. क्योंकि स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. ठीक है, बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज 8. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज 8 में इन 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं. जैसे सेंट्रल लेवल पे कोई वैकेंसी निकलती है, कोई एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ पर ऑप्शन पूछा जाए लैंग्वेज का, तो हम इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं. वो उसी लैंग्वेज में जो है हमें पेपर जो है अवेलेबल कराएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस यूज ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी, हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है बट बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जा रहा है. अब यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीलंका, वाई, बिकॉज श्रीलंका में क्या हुआ था कि वहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे और तमिल कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या एक मेजर मिस्टेक उनसे क्या हुई कि उन्होंने सिन्हाला को जो है नेशनल लैंग्वेज जो है श्रीलंका की अनाउंस कर दिया. ठीक है, फिर उससे क्या हुआ, वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जो तमिल नेटिव्स थे वहाँ के उनको लगा कि इस भाई सिन्हाला को जो है नेशनल लैंग्वेज बना के उनके साथ गलत हुआ है. ठीक है, तो सिर्फ अगर देखा जाए इतने बड़े जो सिविल वॉर वहाँ पर हुआ है और इतना नुकसान हुआ है, लेकिन उसका अगर रीज़न देखा जाए तो क्या था कि सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से. इसलिए इंडिया में स्प्रेडिंग हो रही है लेकिन कोशिश बिल्कुल सावधानी पूर्वक. ठीक है, डिबेट फॉर हिंदी वर्सेस इंग्लिश, हिंदी वर्सेस इंग्लिश का मतलब क्या है, जो हमारे साउथ पार्ट में है वहाँ पर हिंदी कोई नहीं समझता है, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस अगर देखा जाए तो इंग्लिश को देते हैं, और हमारे नॉर्थ साइड में क्या है हिंदी सभी चाहते क्या है कि इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन वो हिंदी को छोड़ना नहीं चाहते हैं. यानी कि एक तरह से मीडियम अब ऐसा नहीं था कि जो साउथ में अगर हिंदी नहीं बोल रहे तो फिर उनको कनेक्ट को तो करके रखना था ना किसी तरीके से. तो ये इंग्लिश एक एज अ कॉमन मीडियम सामने आई है, जैसे नॉर्थ साइड साउथ साइड को आपस में कनेक्ट करने के लिए. इसलिए जो भी कोर्ट की भी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो सब किस में होती है, इंग्लिश में होती है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों को भी एक तरह से मतलब एक समान समझा जाए. प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यूज, प्रमोशन डज नॉट मीन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी. इसका क्या मतलब है कि हिंदी प्रमोट हो रही है लेकिन जो ये प्रमोशन है हिंदी का इम्पोजिशन नहीं है. इम्पोजिशन मतलब हम किसी को ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप नहीं रहे हैं कि अगर हम साउथ में चले जाएं कि प्रमोशन हम हिंदी का कर रहे हैं, लेकिन हम साउथ वाले लोगों को ये नहीं कह सकते कि आपको ये अडॉप्ट करनी ही करनी है लैंग्वेज. मीन्स कि प्रमोशन हो रहा है कॉन्टिन्यूस लेकिन इम्पोजिशन नहीं है. तो अब आ गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन. अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, ऐसा है 1980 लगा लो 1990 तक जो है इंडिया में कांग्रेस राज था. कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, एक तरह से सिंगल पार्टी ही सिस्टम था. तो जब वो सिंगल पार्टी सिस्टम था तो ऑब्वियस है, तो
वो स्टेट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, क्योंकि उनको पता था कि हम ही करता धरता है सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज जो हैं सामने आई। फिर अब जैसे मेजोरिटी के लिए 273 सीट्स चाहिए अगर कांग्रेस को, और उनको 270 मिली हैं, तो बाकी फिर उनको मिलके और रीजनल पार्टीज जो हैं अपना सपोर्ट देके सरकार बना लेती थी, तो कोलिजन गवर्नमेंट हो जाती थी। वो आपको पता ही है कि जब एक पार्टी मेजोरिटी में ना आए तो मोर देन 2-3 पार्टी मिलके जो है गवर्नमेंट बना लेती हैं। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस को मजबूरी में और पार्टियों को लेके आना पड़ा सेंटर में, रीजनल पार्टीज़ को, क्योंकि अगर वो उनको अपने सपोर्ट में लेके नहीं आती तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी कांग्रेस की। तो फिर इससे क्या हुआ कि जो पहले डोमिनेट करके रखते थे या कम वैल्यू करते थे स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंटर उन रीजनल पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी को स्टेट पार्टी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ा, ठीक है। और अगर किसी बात पर कोई इशू हो जाता था और उसमें अगर कांग्रेस को अपनी बात मनवानी है, तो उसको जो उसके साथ वाली जो पार्टीज थी उनकी भी परमिशन चाहिए होती थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट, कि किस तरह से रूलिंग पार्टी और उनके लीडर्स जो थे इन अरेंजमेंट को फॉलो करते थे। वन पार्टी डोमिनेंस निगलेक्टेड फेडरलिज्म, जब वन पार्टी सिस्टम था एक तरह से, तो ऑब्वियस है फेडरलिज्म जो है निगलेक्ट ही हो रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्या है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फेडरलिज्म में द पार्टी रूल्ड एट सेंट्रल अंडरमाइन स्टेट पार्टी, जो सेंटर में पार्टी थी वो मैंने भी आपको बताया ही है कि वो स्टेट पार्टी को एक तरह से इग्नोर करती थी। रीजनल पार्टी केम इन पावर, जब रीजनल पार्टी पावर में आई तो कौन सी गवर्नमेंट बनी, कोलिजन गवर्नमेंट। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग चेक ऑन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो न्यू कल्चर पार्टी पावर शेयरिंग थी उसने एक तरह से चेक लगा दिया, जैसे कहते थे ना कि एक तरह से नाका लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि उसकी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स की ऑटोनॉमी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये था सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स हो गए हैं। कई बार क्या आता है सिर्फ A1 पॉइंट भी 5 मार्क्स का जाता है, कई बार तीनों पॉइंट पूछ लेते हैं, तो डिफरेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई विल ऑल्सो सेंड यू पिक ऑफ सम शॉर्ट क्वेश्चंस।